से जो लोग कुरान और हदीस को मान रहे हैं, जो शिर्क और बिदत को नजरियाती तौर से गलत मानते हैं, उनके यहां भी आप देखें कि बहुत सारे मसाइल हैं, आपस के झगड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है, नमाजों में कोताही है, नमाजों को तर्क करना है, जदीद दौर के जो आलात हैं, गुनाहों के असबाब हैं, उनको इख्तियार करने में लोग जरी हैं, हमारे नौजवान दिन और रात मोबाइल में लगे हुए हैं, नमाज और फराइज से कोताहियां बरतते हैं, कोई वाज़ नसीहत उन पर असरअंदाज नहीं होता। इन तमाम गुनाहों की वजह अगर हम तलाश करें तो एक जुमले में कहेंगे कि अल्लाह की ताज़ीम हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम बात समझते ही नहीं।